हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। आज जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर देगा। एडमिशन शुरू हो चुका है तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पे फिल करनी होती है, किस तरीके से फिल करनी होती है, क्या क्या सारी प्रोसेस होती हैं, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म DAVUMET का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया गया। ओके, तो आपको सर्च करना होगा सबसे पहले। तो स्टार्टिंग ही आपकी गलत नहीं रहनी चाहिए, आपकी सही रहनी चाहिए। तो कहाँ से कर लेंगे, सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। जहाँ पर अपना ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र, वहाँ पर google.com ओपन कर लेंगे। फिर वहाँ पर google.com ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है DAVUMET 2022 IAS पेपर। एग्जैक्टली ये टाइप करेंगे और सर्च कर देंगे। जब आप सर्च कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर खुद ही देखेंगे आप। ओके, तो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड। तो वो अभी जो है, जो सर्च करने का उन्हें तरीका बताया, वैसे आपको सर्च कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पर लिंक मैंने दिया हुआ है, लिंक को चेक करें। ठीक है, वो लिंक पर आप जब क्लिक कर देंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। तो अभी नहीं, वीडियो जब ख़त्म कर दूँगा, जब वीडियो लास्ट में आपको बताऊँगा क्या करना है, कैसे करना है। पहले तो वीडियो देख लीजिए प्रोसेस क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। तो जब भी आप यहाँ पर इस पेज पर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये सबसे पहले फॉर्म आ जाता है, जहाँ पर अपना नाम फिल करनी होती है। सबसे पहले ईमेल आईडी आपकी, कॉन्टैक्ट नंबर दे देनी होती है, स्टेट बतानी होती है कौन से स्टेट में आप रहते हैं, सिटी बतानी है, इंटरेस्टेड, कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस। नाउ इट्स ईजी, गेट फ्री काउंसलिंग आपको क्लिक करनी पड़ेगी। जब आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करते हैं तो आप जो है DAVUMET के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे सबसे पहले। सो आप जो है गेट फ्री काउंसलिंग पर जरूर क्लिक कर दें। और भी अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग यूनिवर्सिटी वगैरह, वहाँ से भी ऑफ़र आते हैं कि आप इस यहाँ पर आइए हमारे पास और अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करनी है और एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं स्टार्टेड, आप पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन स्टार्टेड, क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स। आप जब यहाँ पर क्लिक करते हैं आप न्यू टैब में ओपन हो जाता है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करनी है, आपको क्लिक हियर टू अप्लाई करने के लिए। आप जब यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं आप न्यू टैब में फिर से ओपन होते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट कर रही है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस। तो फर्स्ट फिल द कैपिटल लेटर, तो अपना नाम कैपिटल लेटर में फिल करें जो 10th के मार्कशीट पर लिखा हुआ है। आपका फादर नेम जो 10th के मार्कशीट पर है, आपके मदर नेम जो 10th क्लास में था, डेट ऑफ बर्थ अपना देंगे, आप मेल या फीमेल क्या है वो बताएंगे, और अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद अपना सिटी, टाउन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट कोई भी एक फ़ोन नंबर दे सकते हैं। प्रोग्राम डिसिप्लिन, प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर दे देंगे, और हॉस्टल रिक्वायरमेंट यहाँ पर बता सकते हैं। और क्लिक हियर टू चेक एलिजिबिलिटी पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ फिल करने के बाद आपको सीधा क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सो जब आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा, यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो सीधा मेरा एक आईडी दे देता है, एक पासवर्ड दे देता है, और वहाँ पर आता है पेमेंट पे ऑप्शन। तो पेमेंट ऑप्शन पे आ चुके हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट करने के बाद ही आगे कुछ होगा जो होगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर ओपन कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एडमिशन्स फॉर्म के चार्जेस लगते हैं, जो यहाँ पर ड्यू अमाउंट देख सकते हैं और पेमेंट। ठीक है, ये लास्ट पेमेंट है, आप यहाँ पर उसमें से कितना पेमेंट करने वाले हैं, 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपीज़ आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उतना फीस। ये एडमिशन चार्जेस है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग है। ठीक है, अब हॉस्टल फॉर्म के चार्जेस, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगेंगे, और हॉस्टल एडवांसेस के भी कुछ नहीं। तो आपने जो 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 सेलेक्ट किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर एंटर योर मोबाइल नंबर, एंटर योर ईमेल आईडी एंड पे फीस, आपको पे फीस पे क्लिक करना, और आपका फीस जो है ना वो पे, यहाँ पर आप फीस को पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की अगली स्टार्टेड होगी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ से सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेज का वैसे भी लिंक दिया हुआ है, आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे ओपन कर लेते हैं तो आप इस पेज पर आ जाते हैं, जहाँ से आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर सकेंगे। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए, तो आपको क्या करना है। ठीक है, सो अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत, प्रॉब्लम, डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज का लिंक क्लिक करें, इस पेज पर आएँ और सारी प्रोसेस को कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।